मॉर्निंग एवरीवन, आज जो हम एक्टिविटी करेंगे वो है टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी। और हमने ये एक लेटर बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हम टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हमने रेड कलर की शीट ली है और इसको पेस्ट करने के लिए हमने ग्लू लिया है। टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो बच्चों के फिंगर्स मसल्स को मजबूत करने के लिए होती है, क्योंकि जैसे हम कोई भी पेपर लेंगे, इसको जब हम टियर करेंगे, इसको हमने कटिंग नहीं करनी सीजर से, इसको हमने हाथों से इस तरह से कट करना है और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है अपनी फिंगर की हेल्प से। देखिए, टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटीज है जो ये बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए की जाती है, ताकि जो बच्चे की जो नाजुक सी मसल्स होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकें, इसलिए ये एक्टिविटी की जाती है। और हमने ये लेटर बॉक्स में टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे हमें कुछ बच्चों को सिखाना है, जैसे हम सिंपल बताएंगे कि लेटर बॉक्स है तो उसको याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हम टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे तो बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि जो लेटर बॉक्स है इसका कलर रेड कलर का होता है और ये किस लिए यूज होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पेपर कटिंग करी है इस तरह से, इसको पेस्ट करने के लिए हमने फेविकोल लगाना। ये देखिए, जो ब्लैक पोर्शन है उसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे, जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें हम ग्लू लगा लेंगे इस तरह से। एक पोर्शन में हमने लगा लिया। इसके बाद जो हमने पेजेस की कटिंग करी है इसको टर्न बाय टर्न यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये देखिए, जो लास्ट वाला पोर्शन है हमने उसको कवर नहीं करना है, जो हमारा सेंटर का पोर्शन है उसी में हम ये लगाएंगे इस तरह से। अब छोटे छोटे पहले हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी एक्टिविटीज होती है, लेकिन बच्चों की माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए जो आजकल की स्टडीज है बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू हम लोग सिखाते हैं। पोर्शन में लग जाएगा तो अंदर वाले पोर्शन के अंदर कटिंग लगाना इजी होगा। इसलिए सबसे पहले हम जो हमारे कॉर्नर्स है इसके अंदर ये लगाएंगे। सिंपल सी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे इसके सभी पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। ये देखिए, हमने अभी जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है लेटर बॉक्स का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है इसमें हम ग्लू लगाएंगे एक पार्ट में, और सेम उसी तरह से जैसे हमने नीचे वाले पोर्शन को कवर किया था, पहले कॉर्नर्स पे हमने जहाँ ग्लू लगाया कॉर्नर्स पे जो हमारी कटिंग्स है वो लगाएंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है सभी पोर्शन में हम कटिंग लगाएंगे। जब ये बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो उनको कभी भी ये नहीं याद भूलेगा कि हमारा जो लेटर बॉक्स है उसका कलर कौन सा है, उनको हमेशा याद रहेगा कि हमने जो लेटर बॉक्स बनाया था उसमें हमने किस कलर से हमने ये टियर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी की थी, और वो इसे हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। जो कटिंग साइज को हमने बहुत बड़े पीसेस में नहीं करना है, छोटे छोटे पीसेस में करना है, ताकि ये देखिए इसको इस तरह से हम लगा सकें।
सेम उसी तरह से जैसे हमने नीचे वाले पोर्शन को कंप्लीट किया था, इसी तरह हम सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट सेम इसी तरह से हम हमारे ऊपर वाले दो पोर्शन हैं इसमें भी क्लियर एंड टेस्टिंग अच्छी होगी। किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी तकनीक होती हैं जिससे हम उसे कर सकते हैं, जैसे हम कलर करते हैं, कलरिंग करते हैं, उसी तरह से देखिए क्लियर एंड टेस्टिंग एक्टिविटी के द्वारा हमने ये अपने जो पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स है, इसको कलर कर दिया। देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए इस तरह से हमने अपनी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली, सिंपल टीयर एंड पेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।